स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम IAS चैनल पर, और मैं हूँ रिचा। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, आज ही हम अपने चैनल पर यानी मैं 8 बजे लाइव आ रही हूँ, तो इसमें UPSC का डिस्कशन किया जाएगा। और आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पर और ऐसे पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि मैम UPSC की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आज सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आइए। तो आज का टॉपिक है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। देखिए, इसे देखते हैं चर्चा का कारण। तो अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस से फैले महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दे दी है। नेक्स्ट, गुजरात में भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने के महत्वाकांक्षी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का राज्यव्यापी तीसरा चरण 20 अप्रैल से 10 जून के दौरान पूरा करने का गुजरात सरकार ने फैसला किया है। उसके बाद नेक्स्ट, इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें हम तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के प्रथम संस्करण की शुरुआत 1 मई 2018 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट, राज्य में गहरे तालाबों, झीलों, नदियों, चेक डैम और जलाशयों के माध्यम से अब तक जल भंडारण क्षमता 23,000 लाख क्यूबिक फीट बढ़ गई। उसके बाद नेक्स्ट है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। यह गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जल निकायों को गहरा आकार दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना का उद्देश्य वर्षा ऋतु के आने से पहले राज्य के जलाशयों को गहरा करना है, जिसमें कि उनमें से अधिक वर्षा जल जमा हो सके और जल के अभाव के समय इसका उपयोग किया जा सके। तो ये वाटर की जो कमी हो जाती है उसके लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है कि कमी ना हो वाटर की। इसी नेक्स्ट, इस योजना के अंतर्गत सभी जलाशयों को साफ किया जाता है तथा गाद हटाया जाता है। गाद का उपयोग किसान अपने खेतों में उपज बढ़ाने में कर सकते हैं। गाद का मीन्स वो भी है, जैसे आप देखेंगे कि साइड में उसे काई भी कहा जाता है, ग्रीन ग्रीन टाइप वाटर में लग जाती है। तो नेक्स्ट, इस योजना यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर आधारित है। इसमें होने वाले खर्च का 60% राज्य सरकार और 40% निजी क्षेत्रों के योगदान से पूरा होगा। उसके बाद सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के प्रावधान क्या क्या हैं, तो यह जन भागीदारी व मनरेगा के अंतर्गत शुरू हुई योजना है। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक श्रमिक को मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट, राज्य सरकार के अनुसार खुदाई से मिलने वाली मिट्टी का इस्तेमाल आसपास चल रहे सरकारी कार्यों में, सार्वजनिक कार्यों में और किसानों के खेतों में किया जा सकता है। नेक्स्ट, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए नियमों का पालन करते हुए ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट है मनरेगा कार्यक्रम। मनरेगा कार्यक्रम की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट, यह ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा एवं गहरी पलायन को रोकने के उद्देश्य से वर्ष में 100 दिनों की गारंटी कृत रोजगार प्रदान करेगी। मनरेगा में भी ये गारंटी ली जाती है ना कि आपको 100 दिन का कार्य दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल से राष्ट्रीय औसत मजदूरी 182 रुपीज से बढ़कर 202 रुपीज प्रतिदिन कर दी गई है। ये लॉकडाउन में बढ़ाई गई है और हर जगह नहीं बढ़ाई गई है। देखिए, जो हर स्टेट्स हैं वो अपने अलग अलग बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा तो रहे हैं, मनरेगा में जो पैसा है वो बढ़ा है, लेकिन सब अपने अपने अकॉर्डिंग बढ़ा रहे हैं।
तो आज की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अभियान राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जल निकायों को गहरा आकार दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार प्रायोजित है, इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में प्रस्तुत किया गया था, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल तीन, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, केवल तीन। कैसे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जल निकायों को गहरा आकार दिया जाता है। इस तरह कथन एक गलत है और ये योजना, ये जो योजना है जैसे देखिए सेकंड पॉइंट में बोला गया कि ये पूर्णतः केंद्र सरकार प्रायोजित है, तो ये पूर्णतः केंद्र सरकार पर नहीं होगी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये योजना निजी सार्वजनिक भागीदारी पद्धति से होगी जिसमें 60% राज्य सरकार और 40% निजी क्षेत्र। इसी कारण जो हमारा बी पॉइंट है वो क्या है, गलत है। तो हमारा सी पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और आप सभी लोग 8 बजे वाली जो लाइव क्लास है उसमें आइए। चलिए, थैंक्स।